जय हिंद। नमस्कार मेरे सैन्य सैनियों, काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं आर्मी के नए सिलेबस को लेके कि सर अब जब पेपर पहले हो गया, सीबीटी पहले होगा। अब आप सभी को पता है आर्मी में पहले पेपर होगा और फिर फिजिकल होगा। तो बच्चे ये पहले फिजिकल के बारे में सबको नॉलेज था, पेपर के बारे में भी सबको नॉलेज था, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है वो सिलेबस क्या है इसको लेके काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। बार बार कमेंट भी आ रहे हैं सर सिलेबस बता दीजिए एक बार, इसका पूरा का पूरा जो नया पेपर आएगा इसका सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। देखिए पहले आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन 45 मिनट का समय, हो सकता है कि समय भी आगे जाके बदले, लेकिन सिलेबस अब क्या है नया वो आप जान लीजिए। सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं उसके पेपर के लेवल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पेपर वैसा ही रहेगा जैसे पहले आता था, अब पहले पेपर होने से कुछ चीजें बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी देखिए, सबसे पहले तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा आर्मी की, तो अब लाड लो आपको पहले तैयारी करनी है पेपर की, उसके बाद में तैयारी करनी है फिजिकल की। अभी भी अगर आप दौड़ भाग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए लाड लो, ठीक है। देखिए 10 फरवरी से आप सभी को पता है कि आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे आने वाली 10 तारीख से, यानी आज आज से देख लीजिए 2-4 दिन बाद में आपके शुरू हो जाएंगे आवेदन। तो उसके लिए तैयार रहिए। एक बार जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है आर्मी की, वो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, वहां से भी आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। लाडो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए कमांडो अकेडमी और वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप अकेडमी भी आ सकते हैं। अकेडमी में भी 15 फरवरी से नए बैच शुरू होंगे आर्मी के। देखिए एज का आपको पता 17.5 से 21 साल, एज के बारे में बताइए। जीडी में 10th पास आप सभी को पता है इसके बारे में, कम से कम मिनिमम 45% और हर एक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% से पास आप होने चाहिए। अगर 33% से कम है आपके योग्यता तो फिर आप आर्मी की तैयारी लाड लो नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मैथ के और 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। टोटल कितने क्वेश्चन हुए 50 क्वेश्चन, यानी अभी भी वही 50 क्वेश्चन है। समय में बदलाव हो सकता है कि इसके लिए 45 मिनट की जगह समय में आगे जाके बदलाव हो सकता है, उसकी आपको पूरी पूरी जानकारी 10 फरवरी को लाड दो मिल जाएगी, ठीक है। 10 फरवरी तक आपको इंतजार करना है, 10 फरवरी को आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करें टेक्निकल की, तो जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे लाड दो और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन। यानी कुल मिलाकर आपके सेम उसी प्रकार के 50 क्वेश्चन है और समय में बदलाव होने के चांस है, ठीक है। सेम 50 क्वेश्चन, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए 12th पास और पीसीएम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कम से कम 50% और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% से आपकी पासिंग होनी चाहिए जो बच्चा टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अगला ट्रेड्समैन के लिए आप सभी को पता है 10th पास जो योग्यता उसके साथ में 15 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन साइंस और 15 मैथ। यानी जो आर्मी जीडी का पेपर होगा उसी प्रकार ट्रेडमैन का पेपर होगा, दोनों का जो सिलेबस है वो समान है लाड, ठीक है। दोनों का सिलेबस समान है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। 45 मिनट 50 क्वेश्चन, इसमें तो समय भी यही रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो भी लाड, ठीक है। ट्रेडमैन जो 8th पास है उसके लिए सिलेबस लाड, सेम जो सिलेबस था 10th पास के लिए वही सिलेबस होगा 8th पास के लिए। 8 कम से कम 45% से पास होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। अब इसके बारे में विस्तृत सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि जीके जनरल साइंस आप कहां से पढ़ सकते हैं और किस पोर्शन के बारे में ये कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ के 15 क्वेश्चन, तो ये जो टॉपिक वाइज भी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैथ के हैं, कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के हैं, कौन कौन से टॉपिक जीके के हैं और कौन कौन से टॉपिक जनरल साइंस के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको पेपर के पैटर्न बता रहा हूँ। कलर स्टोर कीपर के लिए लाडो जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन मैथ के, कंप्यूटर साइंस के 5 और 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। इसके लिए 12th पास 60% कम से कम आपके होने चाहिए लाडो, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला सीबीटी टेस्ट का, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा उसमें इस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। अब इनमें क्या क्या डिटेल में आएंगे, जैसे मैथ के कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन आएंगे, जीके के कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस के कौन कौन से पार्ट के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे तो वो कौन से आएंगे, फिजिक्स के कौन से टॉपिक होंगे,
इसका अगला वीडियो के लिए इंतजार करिए, अगले वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा, उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, पेपर भी क्लियर हो जाएगा लाटू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।